हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो मैं हूं अभिषेक एंड यू आर वाचिंग अभिनय व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कार की की अगर खो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है और आपको उसी टाइम अपनी जो कार है वो ओपन करनी है या फिर कोई चीज़ उसके अंदर से निकालनी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि अगर आप मार्केट गए हैं या कहीं गए हैं और बाय मिस्टेक आप कार की जो की है वो अंदर भूल जाते हैं और कार ऑटो लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इधर उधर जो कार के मैकेनिक्स हैं उनके पास भागना पड़ता है, और बहुत ही रेयर मैकेनिक्स होते हैं जो कि उसको रेक्टिफाई कर पाते हैं, उसको खोल पाते हैं, क्योंकि आजकल जो कार्स आ गए हैं वो काफ़ी हाईटेक हैं, उसके अंदर इमोबिलाइजर सेंसर्स हैं और सेंटर लॉकिंग्स हैं, तो उस केस में क्या होता है वो अनलॉक नहीं हो पाती है। तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा, आप अगर आपकी कार की की अंदर रह जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है और आपको अपनी कार ओपन करना है, मीन्स जो आपका डोर है वो ओपन करना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर और एक स्टील वायर आपको चाहिए, जिससे कि हम उसको कार की बिडिंग को ओपन करके साइड से इंसर्ट करके और हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके आपकी कार के टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेटेड। सो चलिए आगे देख। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कार को लॉक कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, और अनलॉक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, और वो ऑप्शंस हैं कि आप जो दोनों कार के दोनों फ्रंट डोर्स होते हैं आप दोनों साइड से उसको ओपन कर सकते हो विदाउट की, इफ़ इन केस अगर आपकी कार की की खो गई है या फिर अंदर रह गई है। तो मेरे पास है स्विफ्ट ZXi, तो मेरे पास दो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ZXi टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर से मुझे एक ही ऑप्शन मिलता है, मीन्स मेरे पास यहाँ पर की लगाने का ऑप्शन है, तो सिर्फ मैं इसको इसी डोर से ओपन कर सकता हूँ, मैं उसको दूसरे डोर से ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास दोनों डोर्स में ऑप्शन है तो आप उसको दोनों साइड से ओपन कर सकते हो, इस डोर से भी और सामने वाले डोर से भी। सो मैं आपको इस वाले डोर से ओपन कर कर दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो ये आपकी बेडिंग है इस बेडिंग को आपने निकालना है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये आपका ईजिली निकल जाती है अगर आपने इसके अंदर रिपिट नहीं लगवाई हुई है, तो मैंने इसके अंदर रिपिट नहीं लगवाई हुई है तो मैं इसको ईज़िली निकाल पाया हूँ। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक स्टील वायर चाहिए जो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से इंसर्ट करने के बाद जो मैकेनिज़म है बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम की लगाते हैं, आप की लगाने के बाद अंदर एक मोटर होती है वो कनेक्ट होती है दो वायर से, एक वायर यहाँ से कनेक्ट होती है और एक वायर यहाँ से जाकर यहाँ पर हमारा अंदर लीवर होता है उसको पुल करने वाला, वो वहाँ पर अटैच्ड होती है। तो यहाँ पर हम की लगाते हैं, की लगाने के बाद अंदर जो वायर होती है, दो वायर्स हैं, सो जो बैक वाली वायर है वो खींचती है, और खींचने के बाद यहाँ से जो लीवर है वो आपका वो भी खींचता है, और उसके बाद जो आपका डोर है वो ओपन हो जाता है। सो बेसिकली ये इसका बेसिक मैकेनिज़म है। तो अब मेरे पास की नहीं है तो मैं आपको वायर से बताऊंगा कि आप इसको कैसे खोल सकते हैं। हमें बेसिकली एक वायर इंसर्ट करनी है, और इंसर्ट करने के बाद हमने जो बैक वाली वायर है जो मैंने आपको बताया अभी, उसको हमने पुल करना है, तो हम उसको खींचेंगे, तो यहाँ पर जो आपका अंदर लीवर है वो आपका खींचेगा और आपका जो डोर है वो खुल जाएगा। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो मेरे पास है आपका स्टील वायर, मैं इसको यहाँ से आपका इंसर्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है, और इंसर्ट करने के बाद मैं इसको आपको प्रॉपरली दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको अंदर का जो डिस्प्ले है वो मैं आपको दिखा सकूँ। सो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, कैमरा में आपको इतना दिखेगा नहीं, तो जो बैक वाली वायर है मैं उसको जस्ट पुल आउट कर रहा हूँ। सो देखिए, बैक वाली वायर को आपको ध्यान रखना है, जो बैक वाली वायर है वो आपको सिर्फ पुल करनी है।
सो मैंने इसकी बैक वाली वायर को पुल कर लिया है। सो अब होप सो शायद खुल गया वो डोर, तो अब देखते हैं कि ओपन हुआ है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर दिया है, और ओपन करते ही जो इसका सायरन है वो बच चुका है, क्योंकि मैंने इसको की से नहीं खोला है, मैंने अनवांटेड एंट्री करने की कोशिश की है और कार लॉक्ड थी, इसीलिए ये जो कार का जो सायरन है वो बच गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ एक वायर डालकर ही ओपन किया है और अभी सायरन बज रहा है, मीन्स कि कोई अनवांटेड एंट्री करने की कोशिश हुई है। सो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही अपनी जो कार है उसको आप ओपन कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से आपको ये बिटिंग निकालनी होती है। अगर आपने रिपिट नहीं लगवाई हो तो आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके कार के टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेटेड।